सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू व्लॉग। इस समय हम खड़े हैं आगरा के कोठी मीना बाजार फील्ड में, जहां पे जनक महल यानी कि जनकपुरी लगने वाली है, जो कि पजगुइया से लेकर के मारुति स्टेट तक पूरा सजा दिया गया है। उसके लिए जगह जगह पे झांकियां लगी हुई हैं, रोड्स पे लाइटनिंग लगा दी गई है और जगह जगह पे बड़े बड़े गेट्स बना दिए गए हैं जो कि रात में लाइटनिंग से चमकेंगे। तो उसके बाद कोठी मीना बाजार में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे दो मेन गेट दिए हैं, वहां से हमारी एंट्री होगी इस जनक महल के अंदर। तो हम जब पजगुइया से कोठी मीना बाजार की तरफ चलेंगे तो हमको सबसे पहला गेट ये वाला मिलेगा, जिसमें रात में जब लाइटनिंग जलेगी ना तो बिल्कुल महल के दरवाजे की तरह ये प्रतीत होगा। और जब हम इस सुंदर से दरवाजे के आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी कुछ झांकियां। तो पहली झांकी में हमको समुद्र मंथन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें क्या है, एक तरफ देवता खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ दानव खड़े हुए हैं और नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिसको खींच के समुद्र से अमृत निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के लिए ये महायुद्ध चल रहा है। तो अभी हम खड़े हुए हैं जनकपुरी के मेन गेट पे, मतलब यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और मैं रोड का अगर आपको सीन दिखाऊं तो देखो कितना ट्रैफिक हो चुका है, इस समय भीड़ भाड़ बहुत है, मतलब लोग वगैरह घूमने आ रहे थे इसमें। जैसे कि आप सामने देखोगे तो हमारा जनक महल बना हुआ है और इसी के चारों तरफ जनकपुरी सजाई गई है, जो कि मैंने आपको भी दिखा दिया और मैं दिखाऊंगा। तो जनक महल लगभग बनके कंप्लीट हो चुका है हमारा, ऊपर से लेकर के नीचे तक इसका वर्क फिनिश कम्प्लीट हो चुका है। कल तक क्या था, ऊपर का काम हुआ था, नीचे का काम रह गया था, लेकिन वो भी कम्प्लीट हो चुका है। और साथ में चेयर्स वगैरह डल चुके हैं यहाँ पे ऑडियंस के बैठने के लिए, वहां से रास्ता भी दिया हुआ है अंदर जाने के लिए पूरा, और फूल वगैरह से डिजाइनिंग भी बना दी है पूरी, और ये वॉकिंग एरिया बनाया गया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखें कितने सारे लोग यहाँ पे घूमने और अपने फोटोज वगैरह क्लिक कराने आए हैं। बात यह है ना, आज से ये शायद शाम से चालू हो जाएगी, 2 बजे के आसपास यहाँ पे राम बारात निकलेगी। अब जनकपुरी के बारे में मैं एक बात बताऊं तो जनक महल जो है नेपाल में बना हुआ है, जो कि राजा जनक का महल था, जिसकी वजह से पूरे एरिया को जनकपुरी के नाम से जाना जाता था। और राजा जनक भगवान शंकर जी को बहुत मानते थे, तो इसीलिए शंकर जी ने उनको एक धनुष भेंट किया था, लेकिन वो धनुष बहुत ज्यादा भारी था, किसी आम इंसान के उठाने का बस का नहीं था। तो राजा जनक ने वो धनुष अपने पूजा स्थल पर रखवा दिया था। तो उसी सिलसिले में एक दिन सीता माता वहां की सफाई कर रही थी, तो उनने वो धनुष उठा लिया। तो यही देख के राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ पे कोई इसको नहीं उठा पाया, लेकिन इन्होंने इसको कैसे उठा लिया। तो उसी समय उनने पूरे महल में घोषणा कर दी कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी से ही सीता की शादी की जाएगी। तो वहां पे सभा में बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों को और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया, लेकिन उसमें से सिर्फ श्री राम भगवान ने इस धनुष को उठाया, बल्कि 3 टुकड़े भी कर दिए। और फिर सीता का श्री राम भगवान से विवाह संपन्न कर दिया। तो उसी सिलसिले में ये राम बारात निकाली जाती है जनक महल से, यही कहानी थी पूरी। यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करने बहुत आ रहे हैं, इस साइड में देखो तो भी आपको दिखेंगे, इस साइड में आप देखोगे तब भी आपको दिखेंगे लोग बाग। तो वही है, सब अपने अपने मेमोरीज बनाने आ रहे हैं। और 3 से 4 दिन ये चलेगा ना, तो उस केस में यहाँ पे मेला भी लगेगा, लोग मेला भी देखेंगे, तो उसके लिए इतनी सारी तैयारियां की गई हैं। तो पुलिस फोर्स भी यहाँ पे पूरी तरह तैनात है, जिससे क्या है कोई भी मिस हैपनिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। ये देख रहे हो समय के हिसाब से भीड़ भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, सब फोटोज क्लिक करने आ रहे हैं, वीडियोस बनाने आ रहे हैं, बाहर चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इधर के सेक्शन में आप देखोगे तो चेयर्स डाल दी गई है, बाकी रेलिंग पे अगर आप देखोगे तो रेलिंग पे फूल्स वगैरह लगा दिए गए हैं, डेकोरेशन कर दी गई है। अच्छा, स्पेस को देख के ये तो पूरी तरह से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है और उसको मैनेज भी बड़े ही आराम से किया जाएगा। सामने जो एंट्री गेट में दिखाया था ना, देखो अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, उस पर लाइटनिंग जलनी चालू भी हो गई है। अभी तो दोपहर है, दोपहर पे यहाँ पे लाइटनिंग जल रही है, रात में देखना कितना उजाला नजर आएगा यहाँ पे, कितनी ज्यादा लाइटनिंग होगी, रोशनी होगी यहाँ पे। तो दोस्तों जब आप इस गेट से एंट्री करोगे जनक महल के अंदर, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे
हनुमान जी की, भगवान हनुमान की मूर्ति लगी हुई है। कितनी प्यारी लग रही है ये मूर्ति। यहाँ पे शॉपिंग का सामान भी मिलना शुरू हो गया है मॉर्निंग से ही। ये 3-4 दिन तक इंस्टॉल वगैरह ऐसे ही यहाँ पे रहेंगे, जिससे क्या जिसको भी शॉपिंग वगैरह करनी हो वो यहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकता है जब जनकपुरी घूमने आएगा तो। ये दूसरा गेट है, ये गेट है सामने जा रही है शाहगंज के लिए रास्ता। शाहगंज से जब कोई आएगा सामने आपको सबसे पहले ये एंट्री गेट दिखेगा जिसपे पूरी तरह से लाइटनिंग हो रही है। ये देखो पूरी तरह से यहाँ पे लाइटिंग लग चुकी है, रात में मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ आसमान, यहाँ पे लाइट ही लाइट दिखेगी आसमान में। जब रात में आपको दिखाऊंगा, ये आपने देखा भी होगा कई सारी वीडियोस में, रात का सीन यहाँ पे बिल्कुल अलग ही हो जाता है। पैदल घूमने में बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि लाइटनिंग इतनी ज्यादा हो जाती है। और साइड में आप बैनर्स भी देख रहे होंगे जनकपुरी के लिए हार्दिक स्वागत करते हुए या अभिनंदन करते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं अलग अलग लोगों ने। यहाँ पे भी देखो मार्केट का सामान लगना चालू हो गया शॉपिंग के लिए। अगर आपको शॉपिंग करनी हो वो वाला रोड निकल जाएगा हमारा शाहगंज के लिए, और ये मीना बाजार होते हुए पचोईया के लिए निकल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रेन भी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिससे क्या है भीड़ भाड़ आए तो कोई इसमें गिर ना जाए, ये भी चीज बढ़िया की गई है। तो आगे चलते हैं, अभी आगे चल के और आपको दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं इस रूट पे। अभी तलवार और त्रिशूल वगैरह रखे हुए हैं। यहीं से जब हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो हमारे दोनों मेन दरवाजे दिखाई देंगे जिसके अंदर हमारा जनक महल बना हुआ है। चलो आगे तक और दिखाते हैं। ऊपर देखो पूरे में लाइटनिंग लाइटनिंग हो गई है, ये पूरा उस चौराहे तक कवर किया गया लाइटनिंग से, जिससे क्या है इसके नीचे से अगर कोई चलेगा तो प्रॉपर लाइटनिंग आएगी उसके ऊपर। और जनकपुरी के पीछे का एरिया देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों से साफ सफाई चल रही है, जिससे क्या है बिल्कुल भी गंदगी ना रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे चारों तरफ साफ सफाई चल रही है, धूल मिट्टी या गंदगी कहीं नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट टाइम जो जनकपुरी लगी थी हमारी वो संजय पैलेस में लगी हुई थी, उस वजह से वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बार ये मीना बाजार में फील्ड में लग रही है ना, तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे इसको देखने के लिए। तो लोकल का बंदा तो आएगा यहाँ पे, लोकल के आगरा के जितने भी लोग हैं, इवन आसपास के शहरों के भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि इस बार इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा किया गया और बड़े लेवल पे ये किया जा रहा है। लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है, पूरा महल जगमगाता है। और जो महल है ना ये पूरा थर्माकोल का बनाया गया है, और इसमें जो कलर यूज किया गया है ना वो लाइटनिंग वाला कलर यूज किया गया, मतलब इन केस अगर इस महल पे लाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो कलर शाइन करेगा। तो अभी हम आ चुके हैं जनक महल के बिल्कुल पीछे वाले एरिया में। यहाँ पे क्या है खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है, और दूसरा झूले वगैरह लगे हैं अगर आपको झूलना हो तो। नीचे देखो मोमो चाउमीन कॉर्नर बना हुआ है, देखो आपको पूरा दिखाता हूँ एरिया में एक बार राउंड मार के कि क्या क्या लगी हुई है। यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लग रही है, लगी नहीं है, कहीं कहीं पे लग गई है, उसका काम चालू हो गया, बाकी कुछ लोग लगवा रहे हैं। और जब बिल्कुल सामने देखोगे आप तो आपको दिखाई देंगे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े छोटे छोटे झूले। वो देखो झूले का काम भी कंप्लीट हो चुका है, इधर ब्रेक डांस वाला लगा है, उधर बोट वाला है, इधर लगा है लंबा वाला गोल वाला झूला, इधर भी गोल वाला झूला, इसका नाम यार याद नहीं रहता है। पूरे झूले में सबसे बड़ा झूला होता है ये, इधर छोटे बच्चों वाला झूला लगा हुआ है, लेकिन ये झूला झूले मजा बहुत आता है एक बार आप झूले पर चढ़ जाओ तो। इधर भी देखो झूलों का काम चल रहा है, और इस साइड में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे भी देखो कई सारे झूले लगे हैं, गेम्स लगे हुए हैं, छोटे बच्चों वाले हैं ये वाले, और इंस्टॉल भी धीरे धीरे भरनी चालू हो गई है। ये जंपिंग वाला जंपिंग जैक वाला बच्चों को जंपिंग कराने के लिए करते हैं, और ये भी इतने सारे झूले लग चुके हैं, और बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है अपने अपने इंस्टॉल लगाने के लिए, जिससे क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ भीड़ आएगी ना, अपना शॉपिंग करेगी, झूले झूलेगी, एंजॉयमेंट करेगी, तो उसके लिए ये व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। इसे देखो ना यहाँ से हमारा शाहगंज वाला रूट जा रहा है, यहाँ से कट मारेंगे तो आ जाएगी जनकपुरी वाला रूट, जनकपुरी सजी हुई है यहाँ पे पीछे, और इसके इधर जाएंगे
तो ये सारा डिपार्टमेंट हमको दिख रहा है, झूले का, इंस्टॉल का, गेम्स का, सब चीज का। एंट्री कुछ इस तरह दी हुई है, यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो साइड में आपको सारी इंस्टॉल दी जाएंगी, इस साइड में भी इंस्टॉल दी जाएंगी और बीच में लोगों के आने जाने की व्यवस्था कर रखी है। बीच में सिर्फ एक अमूल का स्टॉल लगा हुआ है, बाकी पीछे वाले एरिया में जो मैंने आपको दिखा दिया वो पूरा झूले का एरिया है, झूले झूल सकते हो आप वहां पे जाके। हम इस समय आ चुके हैं मीना बाजार से मार्केट स्ट्रीट वाली रोड पे, यहाँ भी देखो कितनी सारा डेकोरेशन हो रखी है और सामान सेल हो रहा है, मतलब मेले से रिलेटेड जो कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। और यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया लोटस की डिजाइन में झांकी लगी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है।